नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट इज द डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एण्ड सेकेंडरी एजुकेशन ऑफिस लुकिंग एट वी कैन सी दैट प्रायर टू द डेवल्यूशन ऑफ पार्स टू डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट द डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एण्ड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट एज इट वॉज देन नोन जैसा कि उस वक्त यह सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट कहलाता था कंप्राइज टू फोर ग्रेड नाइनटीन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स जिन्हें हम डीईओज कहते हैं अब जो डीईओज हैं उनमें दो मेल uh, थे यानी एक मेल और एक फीमेल यानी कि दो रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए और दो रिस्पॉन्सिबल प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो कि उसी तरह से मेल और फीमेल थे और प्राइमरी एजुकेशन के लिए फिर हम ये देखते हैं ये इनके साथ साथ फोर ग्रेड एटीन डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स थे और फिर फोर ग्रेड 17 के असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स थे जिन्हें हम ए डी और डी डी कहते हैं रिस्पेक्टिवली विद ऑल रिस्पेक्टिव सपोर्ट स्टाफ एंड व्हीकल्स एक्सेट्रा तो ये वो ऑर्गेनोग्राम है हम जो देखते हैं कि डिपार्टमेंट का था जब ये खाली एजुकेशन डिपार्टमेंट कहलाता था डेवोल्यूशन से पहले डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो हैं और इनका जो ऑफिस है इनको एक लार्जर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हासिल थी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ मेकिंग ट्रांसफर्स पोस्टिंग अपॉइंटमेंट सैक्शन लीव ऑफ स्कूल टीचर्स एंड स्टाफ एंड अप्रूव डेवलपमेंट स्कीम्स तो हम ये देखते हैं कि ऑलमोस्ट सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नेंस है प्लानिंग है वो इन एजुकेशन ऑफिसर्स के पास होती थी और बड़ी जो है आजादी से वो इसके ऊपर काम कर रहे थे और फिर हम ये देखते हैं कि सिंस द एडवेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम जब हम देखते हैं कि जिले ही हकूमत का जब इंतजाम हमारे सामने आता है तो उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैज गिवन एडिशनल रिस्पांसिबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ उप ऑपरेशनल प्रोसीजरल मैंडेट एंड रिपोर्टिंग बट सब सर्वियंट टू द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर यानी डीसीओ के तहत जो जिले इंतजामिया है इसके तहत इसको लेके आ गया, गया जिसके अंदर जो एजुकेशन ऑफिसर्स भी हैं वो डीसीओ के साथ ही मिलके काम कर रहे हैं जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर कहते हैं और जो कि मोस्टली हम देखते हैं कि जिनकी स्ट्रीम जो है वो डीएमजी ग्रुप की होती है यानी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप की होती है फर्दर हम ये देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जिसे हम ईडीओ कहते हैं फॉर स्कूल डज नॉट हैव एनी ऑफ द पार्स मैंशन अबाउ विच फॉर एक्सरसाइज प्रायर टू डेवोल्यूशन जबकि जो ईडीओज हैं इनके पास अब वो सारी अथॉरिटीज नहीं रही जो डेवोल्यूशन से पहले इनके पास हुआ करती थी डिस्ट्रिक्ट स्कूल का जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है उसको भी कट डाउन किया गया सबस्टांशली और उसके साथ ये देखा गया कि सिर्फ एक ग्रेड 19 के एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यानि ईडीओ हो गए हैं उसके साथ दो जो है वो ग्रेड एटीन के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यानी डीओज हो गए हैं मेल एंड फीमेल और फिर उनके साथ दो जो हैं वो ग्रेड 17 में डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर्स हैं यानी डीडीओ हो गए हैं मेल और फीमेल जो कि तहसील लेवल पे काम कर रहे हैं तो हमने ये देखा कि जो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा जो चार्ट है उसको एक तो पार्स के मामले में चेंज किया गया अथॉरिटी के बारे में भी चेंजेस आ गए दैट द डीसीओ इज नाउ रिस्पॉन्सिबल उनके पास सारी ताकतें हैं सारी जो है अथॉरिटी है और फिर सेकेंड हमने ये देखा के स्टाफ के ऊपर भी कट डाउन किया गया और बहुत जो कम लोग हैं अब इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं